सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नंबर छह जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम एक बहुत ही मज़ेदार गेम खेलने वाले हैं ह्रे गेम गेम का नाम सुन के आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना क्योंकि गेम खेलना मैं जानता हूँ आपको बहुत पसंद है तो आज हम गेम खेलते खेलते पढ़ना भी पढ़ना यानी कुछ काम की बातें भी करेंगे कुछ पढ़ाई की बातें करेंगे जानते हैं कौन सा गेम है ये गेम है बोर्ड गेम बोर्ड गेम आखिर इसमें करना क्या है तो चलो देखते हैं इस गेम को तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं तो देखो यह है बोर्ड गेम ठीक है इसमें आपको क्या करना है इसको कॉपी या गत्ते पर पहले एक से लेकर सौ तक की गिनती कुछ इस तरह से लिख लें जैसे कि यहाँ पे लिखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर ग्यारह बारह इस तरह से पूरा आपको सौ तक लिखना है एक पासे की ज़रूरत है और कुछ रंगीन गीटियों की ज़रूरत है शुरू करेंगे एक से और जो सौ पर सबसे पहले पहुँचेगा यानी यहाँ पर गेम ख़त्म हो जाएगा वो विनर होगा लेकिन फिर भी हम इसके नियम एक बार देख लेते हैं तो देखो आखिर ये बोर्ड गेम क्या है आपको क्या करना है एक से सौ तक की गिनती अपनी कॉपी गत्ते या फिर चार्ट पेपर पर लिखकर अपना बोर्ड गेम तैयार कर लें इस खेल को हम अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं इसे खेलने के लिए हमें एक पासे और जितने लोग खेल रहे हैं उतने रंग की गोटी की आवश्यकता होगी यानी इसमें ये नियम नहीं है कि आप चार लोग खेलें या पाँच लोग खेलें कितने भी खेल सकते हैं आमतौर पर अगर सात आठ या दस तक होंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमें अलग अलग, अलग रंग की गोटियाँ भी तो चाहिए होंगी फिर खेलने के नियम क्या होंगे सबसे पहले कोई भी इस खेल को शुरू कर सकता है खेल को शुरू करने के लिए हम पासा फेंकेंगे और जो संख्या पासे पर आई होगी उतने अंक छोड़कर पहले उस संख्या को बोलेंगे और फिर बोर्ड पर उतने अंक छोड़कर अपने रंग की गोटी उस संख्या पर रख देंगे मान लीजिए पासे पर संख्या तीन आई तो इसका मतलब हमें तीन संख्या छोड़कर आगे बढ़ना है समझ में आई बात कैसे जैसे फिर से आपको समझ जैसे मान लीजिए पासे पर अगर आपका नंबर आया पांच ठीक है पहले आ गया तीन तो तीन पर आपने रख दिया तीन के बाद अगर पांच आया तो आप बोलेंगे पांच और अपनी गोटी किस पर रख देंगे आठ पर ठीक है इस तरह से सभी लोग अपना गेम शुरू करेंगे अब दूसरे व्यक्ति को पासा फेंक कर इसी प्रक्रिया को अपनाना है और जो पहले सौ पर पहुंच जाएगा वही विजेता कहलाएगा तो देखा आपने कितनी मज़ेदार गेम होने वाली है तो आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं आपको इसको बोर्ड गेम वापस से दिखा रहा हूँ और वहाँ पर भी हम इसको समझा सकते हैं तो देखो जैसे मान लो किसी ने पासा फेंका और उसके नंबर आए पाँच तो उसकी गिटी कहाँ पर जाएगी एक दो तीन चार और पांच अब उसने जब दूसरी बार पासा फेंका उसके नंबर आए चार तो वो क्या करेगा बोलेगा चार क्या बोलेगा चार और फिर एक दो तीन चार अपनी गिटी को कहाँ पर रख देगा यहाँ पर और इस तरह से सभी लोग गेम खेलते जाएंगे तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी इसे फिफ्टी के तक पहुंचा दीजिए लेकिन याद रखेगा कोरोना अभी भी फैल रहा है ज़रूरी ना होने पर घर से बाहर ही मत निकले और अगर जाना भी पड़े तो मास्क अवश्य लगाएं और याद रखिएगा अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद